चैनल से। दर्शक साथियों, आज जिला परिषद का और ब्लॉक समिति का परिणाम घोषित हो गया है और जिसका भाग्य चमकना था वो सभी खुशी खुशी अपने घर को लौट गए हैं, लेकिन उनको भी निराश नहीं होना चाहिए जो इस चुनाव में पीछे रह गए। भविष्य में मेहनत करना आपके भी हाथ है। अभी फिलहाल हम पहुंचे हैं गांव बड़म्बा के अंदर और गांव बड़म्बा में एक बहुत बड़ी जीत लेके वार्ड 13 से जिला परिषद के उम्मीदवार जो रहे, फिलहाल जिला पार्षद सतीश बड़म्बा जो बहुत बड़ी जीत लेकर के आए हैं और गांव के बीच में इनका बहुत बड़ा स्वागत किया गया है। लगातार बहुत बड़े काफिले के साथ रोहतक से गांव बड़म्बा तक पहुंचे हैं। सतीश भाई से बात करते हैं। सतीश, राम राम भाई। राम राम भाई पवन। राम राम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बधाइयां। सतीश भाई, इतनी बड़ी जीत कितनी उम्मीद थी? देखो, ये जीत तो निश्चित थी, आपको भी पता है, पूरे वार्ड को पता है, लेकिन बीच में छोटी मोटी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मैं तो जहां भी गया मैंने सबको बोला है, अपने का कहता हुआ था कि वार्ड 13 के विश्वास की जीत होगी, विकास की जीत होगी, उम्मीद और आस की जीत होगी। और आज 13 वार्ड नुक का नुखरिया उतरा जिसकी उम्मीद लेके हम चले थे पहले दिन घर से। बहुत बड़ी ताकत गांव बड़म्बा की पंचायत ने इनको सौंपने का काम किया था, लेकिन उस ताकत को ज्यादा ताकतवर और महाताकत बनाने का काम वार्ड 13 के सभी गांव ने किया है। सभी गांव के जो भी मतदाता है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई, सभी मतदाताओं का मैं तहे दिल से आभारी हूं। इतना शांति प्रिय चुनाव लड़ा, बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसा चुनाव मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। कति फेस्टिवल एक त्योहार की तरह मेरे गांव ने या मेरा वार्ड 13 ने चुनाव, जहां भी 33 बूथ थे मेरे, 46 से 78 तक हर बूथ पर कति फेस्टिवल की तरह चुनाव लड़ा गया और उसका मुकाम देखो आपने पता भी लग गया होगा। तो हमारे चैनल की तरफ से भी सतीश भाई को बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ में भाई सुरेंद्र पवार जी हैं, उनसे बात करें। राम राम भाई। राम राम जी। भाई साहब, बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी ताकत देने का काम किया है, अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे इस जीत को लेकर? मैं यही कहना चाहूंगा भाई, पूरा गांव बड़म्बा और पूरा वार्ड 13 जितने भी गांव इस माओ थे सब ने भाईचारे की मिसाल पेश की है और भाई सतीश को भारी बहुमत से जिता के एक ही बहुत बड़ा संदेश दिया है कि भाई इससे अच्छा कोई भाईचारा नहीं है। कितना शांतिपूर्वक इलेक्शन हुआ है और अभी हम जुलूस के रूप में करकड़ा गांव के अंदर से आए हैं, सब ने भाईचारे के हिसाब से दूध पिलाया है और मेरा भाई जो साथ में कैंडिडेट था हमारी फाइट में, उसने भी बहुत अच्छा इलेक्शन दिखाया। हम भाई सतीश को बधाई देते हैं इसी काबिलियत को, इसके ठंडेपन को, और पूरे गांव को, पूरे वार्ड को भाई, और मेरी भाई। राजा सरपंच इन्होंने मतलब सारे 13 वार्ड के सभी गांव का दिल जीतने का काम किया, इसलिए हम इसको एक बधाई का पात्र मानते हैं और आगे के लिए भी आशा करते हैं कि ये बच्चा आगे जिसकी गांव की समस्या होगी अपने वार्ड की, उनमें समस्याओं को मिलने बनावाए भाई ना करो का काम भी करे। हमारे 13 वार्ड के जितने भी गांव थे सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और गांव बड़म्बा की सरदारी का जिनको ऊपर भाई सतीश बड़म्बा ने आशीर्वाद दिया और सभी को मैं हमारे गांव के चारों बने हैं उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, उनको एक बात कहना चाहता हूँ भाई। आपके हम सेवा तैयार रहेंगे, आपके दुख तकलीफ में आपका काम है, हम आपका पूरा साथ देंगे। बहुत बड़ी जोड़ी, एक सरपंच एक जिला पार्षद, बिल्कुल छोटी उम्र तजुर्बा बहुत बड़ा। कुलदीप भाई, राम राम। राम राम जी, और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को राम राम और सभी को बधाई है मेरी तरफ से। उस दिन एक पंचायत का वो था, उस दिन से आज डबल बधाई, बल्कि ट्रिपल की देखू मैं, कम है आज के। बहुत बहुत गदगद कर दिए मेरे को तो सिर्फ पंचायत ने, बाकी इसमें तो गांव ने भी गुआंड ने भाई को जिता के मेरे को दुगना दुगना खुश कर दिया। और बिल्कुल जो भाई साहब कह रहे हैं ना, आज
मतलब एक रास्ता दिखा दिया। अब विकास के पहियों को हम दोनों भाई रुकने नहीं देंगे किसी भी हालत में। विकास का पहिया रुकेगा नहीं। बहुत बड़ी ताकत, चार सरपंच, तीन ब्लॉक समिति, एक जिला पार्षद, बहुत बड़ी ताकत गांव बड़म्बा के अंदर और वार्ड 13 के जो गांव जिन्होंने इनको भरपूर सहयोग दिया, मैं तो उनकी भी इतनी बड़ी ताकत मानता हूं। और जो आगे की रणनीतियां देखते क्या रहते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।